जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 26 तारीख को यानी कि 26 सितंबर को आपका जो है एमपीटेट का एग्जाम है। दोस्तों उसके लिए आपने अपना आकलन किया अभी से कि नहीं किया? दोस्तों परीक्षा ऐप पर मॉडल पेपर उपलब्ध हैं। जैसे आपकी परीक्षा में 150 नंबर के पेपर आना है, वैसे ही परीक्षा ऐप पर मॉडल पेपर उपलब्ध हैं और 150 नंबर से आपके कितने नंबर आ रहे हैं इसका आकलन आप कर लें। बहुत सारे बच्चों ने दोस्तों ये टेस्ट सीरीज लगाई है, तो आप भी परीक्षा ऐप की टेस्ट सीरीज लगाएं और सेल्फ SC40 कूपन कोड यूज करें तो 40% आपको ऑफ मिल जाएगा। जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों बाल विकास की हमारी रोज क्लास होती है, उसी में आपका ये अगला वीडियो है। महत्वपूर्ण हम टॉप प्रश्नों पर चर्चा करते हैं रोज, तो सभी लोग जुड़े रहे, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंस्टाग्राम से जुड़ने के लिए आपको सुमित जैन सेल्फ स्टडी क्लासेस सर्च करना है। व्हाट्सएप पे से जुड़ने के लिए आपको नंबर दिया है, ठीक है। फेसबुक से भी आप जुड़ सकते हैं, साथ ही ट्विटर पर भी आपको जुड़ना है और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है IAS स्टडी ट्रेक, ठीक है। तो सभी लोग ज्वाइन हो जाएं, बेल आइकन को जरूर दबाएंगे। दोस्तों बाल विकास के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जिससे आप आकलन अपना कर सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण और कठिन प्रश्न और सरल प्रश्नों का यहाँ पर मिश्रण किया गया है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना है, ठीक है। तो फटाफट से तैयार रहें और उत्तर बताने के लिए जल्दी जल्दी से उत्तर आपको बताना है। पहला आपका प्रश्न है दोस्तों कि राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है? शिमला में है, देहरादून में है, कोलकाता में है या फिर दिल्ली में है? राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान कहाँ पर है? प्रश्न क्रमांक एक का उत्तर कमेंट में लिखें। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देहरादून। देहरादून यानी विकल्प नंबर जो टू है वो यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ जो संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है, ठीक है। अगला देखो, गतिक कौंसलों में अधिगम निर्योगता खालिस्तान कहलाती है, क्या कहलाती है? डिस्फ्रेजिया, डिस्प्रेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया या फिर डिसलेक्सिया? गतिक कौंसलों में अधिगम निर्योगता क्या कहलाती है? प्रश्न क्रमांक दो का उत्तर बताना है हमें। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा डिस्प्रेक्सिया, यानी टू नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, डिस्प्रेक्सिया, ठीक है। गतिक कौंसलों में अधिगम निर्योगता कहलाती क्या? डिस्प्रेक्सिया। अगला देख लेते हैं, अगला है मंद बुद्धि बालकों को शिक्षित करने के लिए प्रथम विद्यालय किसने स्थापित किया? मंद बुद्धि बालकों को शिक्षित करने के लिए प्रथम विद्यालय किसने स्थापित किया? टर्मेन ने, एडवर्ड सेगविन ने, गार्डनर या फिर बिने ने? मंद बुद्धि बालकों को शिक्षित करने के लिए प्रथम विद्यालय किसने स्थापित किया ये बताना है आपको, प्रश्न क्रमांक तीन का उत्तर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? विकल्प नंबर दो यानी कि एडवर्ड सेगविन ने क्या किया? मंद बुद्धि बालकों को शिक्षित करने के लिए प्रथम विद्यालय स्थापित इन्होंने किया है, एडवर्ड साहब ने। तो विकल्प नंबर टू आपका बिल्कुल सही होगा, जो कि याद रखना है आपको, स्वयं के महत्व के बारे में हमारी अवधारणा कहलाती है। स्वयं के महत्व के बारे में आत्मगौरव, स्वचेतना, स्वदक्षता या फिर आत्मनिगरानी क्या कहलाती है? स्वयं के महत्व के बारे में हमारी अवधारणा, प्रश्न क्रमांक चार। तब प्रश्न क्रमांक चार का आपका उत्तर होगा दोस्तों आत्मगौरव, यानी कि जो विकल्प नंबर एक है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वयं के महत्व के बारे में हमारी जो अवधारणा कहलाती है वो क्या कहलाती है? आत्मगौरव, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से खालिस्तान की समस्या से संबंधित है, सुनने की समस्या से, पढ़ने की समस्या से, बोलने की समस्या, बोलने और सुनने की समस्या? डिसलेक्सिया मुख्य रूप से खालिस्तान की समस्या से संबंधित है, प्रश्न क्रमांक पांच। तो आपने बिल्कुल और राइट कमेंट बताया है, पढ़ने की समस्या। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? पढ़ने की समस्या से संबंधित है, प्रश्न क्रमांक पांच का उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर टू। अगला देख लेते हैं, कविता को याद करने में प्रयुक्त विधि को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बड़े पैमाने का अधिगम, वितरित शिक्षा, क्रमिक संस्मरण या फिर युग्मित सहयोगी अधिगम?
कविता को याद करने में प्रयुक्त विधि को कहा जाता है? प्रश्न क्रमांक छ, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा क्रमिक संस्मरण, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका तीन है वो सही हो जाएगा। क्रमिक संस्मरण क्या कहलाता है? कविता को याद करने में प्रयुक्त विधि को कहा जाता है क्रमिक संस्मरण, विकल्प नंबर तीन। अगला देख लो, एक व्यक्ति जिसमें प्रेरक उपलब्धि की कमी है, प्रेरक उपलब्धि की कमी, वह प्रदर्शित करेगा आत्म आश्वासन, निराशावाद, सकारात्मक दृष्टिकोण या फिर व्यवहारवाद। एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति में प्रेरक उपलब्धि की कमी है, तो वह क्या प्रदर्शित करेगा निम्न में से? प्रश्न क्रमांक सात का उत्तर बताना है, तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों निराशावाद। निराशावाद यानी विकल्प नंबर जो टू है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं, मोहन गणित में कमजोर छात्र है, निम्न में से कौन सा परीक्षण उपरोक्त कथन का सर्वोत्तम समर्थन करता है? मोहन गणित में कमजोर छात्र है, निम्न में से कौन सा परीक्षण उपरोक्त कथन का सर्वोत्तम समर्थन करता है? बुद्धि परीक्षण, अभिवृत्ति परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण या फिर कौशल आधारित परीक्षण। कौन सा परीक्षण है जो उपरोक्त कथन का सर्वोत्तम समर्थन करता है? प्रश्न क्रमांक आठ, तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा उपलब्धि परीक्षण, यानी कि जो विकल्प नंबर तीन है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आप काउंट करते जाए अपने जितने भी आप प्रश्न के सही उत्तर बता रहे हो, लास्ट में बताना भी है कि कितने प्रश्न आपने अटेंड किए हैं और कितने प्रश्नों के उत्तर आपसे बने हैं। ठीक है, और लास्ट में एक प्रश्न आपको दिया जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट में लिखना है। कैटल ने अपने व्यक्तित्व के सिद्धांत में स्रोत लक्षण के कितने युग्म दिखाए हैं? कितने दिखाए हैं, 16, 32, 14 या फिर 22? प्रश्न क्रमांक 9, तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 16, यानी विकल्प नंबर एक सही होगा। कैटल ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में स्रोत लक्षण कितने युग में दिखाए, तो युग में दिखाए हैं 16। ठीक है, एक नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। शिक्षक पात्रता परीक्षण किस प्रकार के परीक्षण का एक उदाहरण? जी हाँ दोस्तों, अगर आप शिक्षक पात्रता परीक्षण का पेपर दे रहे हैं तो आपको पता होनी चाहिए कि ये किस प्रकार का एक परीक्षण होगा। परीक्षण का उदाहरण है तो अभियोग्यता परीक्षण का, सृजनशीलता का, बुद्धि का या फिर व्यक्तित्व का। प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर जल्दी से कमेंट में लिखें। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा अभियोग्यता का, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका एक है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। शिक्षक पात्रता परीक्षण किस प्रकार के परीक्षण का एक उदाहरण है, तो अभियोग्यता का। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, किसी भाषा में अर्थ को दर्शाने वाली सबसे छोटी इकाई को खालिस्तान कहा जाता है? किसी भाषा में अर्थ को दर्शाने वाली सबसे छोटी इकाई को कहा जाता है स्वनिम, वाक विन्यास, शब्द या फिर रूपिम, क्या कहा जाता है? प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर बताना है। अर्थ को दर्शाने वाला यहां पर कहा, किसी भाषा में अर्थ को दर्शाने वाली सबसे छोटी इकाई को कहा जाता है, तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा रूपिम। रूपिम यानी कि शब्द है ना, अर्थ को प्रदर्शित करने वाली सबसे छोटी इकाई क्या है, शब्द है, यानी कि रूपम है। चार नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन स्मृति की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है? तो स्मृति की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है बताना है, भंडारण नहीं है, पुनः प्राप्ति, इनकोडिंग या फिर प्रेरणा। स्मृति की प्रक्रिया का हिस्सा कौन सा नहीं है? प्रश्न क्रमांक 12, तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा प्रेरणा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन स्मृति की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, तो प्रेरणा नहीं है। चार नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, स्मृति के किस भाग में 15 से 25 सेकंड में अनावश्यक जानकारी को भूल जाना शामिल है? तो स्मृति के किस भाग में 15 से 25 सेकंड में अनावश्यक जानकारी को भूल जाना शामिल है? दीर्घकालीन स्मृति, संवेदी रजिस्टर, चलन स्मृति या फिर लघुकालीन स्मृति। प्रश्न क्रमांक 13, तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा लघुकालीन स्मृति, यानी कि 15 से 25 सेकंड में अनावश्यक जानकारी को भूल जाना शामिल है, तो कौन सी स्मृति में है? लघुकालीन स्मृति, यानी कि विकल्प नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला देख लेते हैं दोस्तों, निगमनात्मक विधि इस प्रकार की होती है। आपने आगमन और निगमन विधि पढ़ी है, तो निगमनात्मक विधि किस प्रकार की होती है? उदाहरण से दृष्टांतों की ओर, नियमों से अवलोकन की ओर, सामान्यीकरण से विनिर्देशों की ओर, या फिर अवलोकन से उदाहरण की ओर। प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा नियमों से अवलोकन की ओर। प्रश्न विकल्प नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, ठीक है, नियमों से अवलोकन की ओर, ठीक है, ये सही होगा। अगला देख लेते हैं, माँ और उसके बच्चे के बीच मजबूत बंधन का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? प्रेम का, सुरक्षा का, मातृत्व, या फिर ममता का। माँ और उसके बच्चे के बीच मजबूत बंधन का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? प्रश्न क्रमांक 15। तो 15 का बिल्कुल सही आंसर होगा ममता, यानी 4 नंबर। माँ और उसके बच्चे के लिए मजबूत बंधन का वर्णन करने के लिए ममता शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, वंशानुगत कारक बच्चे के खालिस्तान के समय से अपना प्रभाव शुरू करते हैं। किस समय से? विकास के समय से, वृद्धि के समय से, गर्भाधान के समय से, या प्रारंभिक वर्ष से। तो वंशानुगत कारक बच्चे के खालिस्तान के समय से अपना प्रभाव शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 16। तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? गर्भाधान के समय से, ठीक है, 3 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सफलता के लिए एक बच्चे की विशेषताएं हैं? कौन सी सफलता के लिए एक बच्चे की विशेषता है? अधिगम पर लगातार ध्यान केंद्रित करना, स्वयं पर ध्यान केंद्रित करना, कार्यपत्रक और नोट्स व्यवस्थित करना, भाग्य पर विश्वास करना। तो कौन सी सफलता के लिए एक बच्चे की विशेषताएं हैं? प्रश्न क्रमांक 17, सफलता के लिए बताना है आपको। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? अधिगम पर लगातार ध्यान केंद्रित करना, ये सफलता के लिए विशेषता मानी जाएगी। 1 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों, कौन सा मूल्यांकन पूर्व निर्धारित मानकों के एक निश्चित सेट के विरुद्ध छात्र के प्रदर्शन को मापता है? वो मूल्यांकन कौन सा है पूर्व निर्धारित मानकों के एक निश्चित सेट के विरुद्ध छात्र के प्रदर्शन को मापता है? वो मूल्यांकन क्या कहलाता है? सामान्य संदर्भित आकलन, मानदंड संदर्भित आकलन, नैदानिक आकलन, या फिर उपलब्धि का आकलन। प्रश्न क्रमांक 18। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा मानदंड संदर्भित आकलन, यानी कि जो विकल्प नंबर 2 है वो बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? मंदबुद्धि बच्चों की, दृष्टि दोष युक्त बच्चों की, मूक बधिर बच्चों की, या इनमें से कोई नहीं। किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? प्रश्न क्रमांक 19। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा मूक बधिर, मूक बधिर यानी कि विकल्प नंबर 3। मूक बधिर बच्चों की शिक्षा के लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, याद कर लेना, महत्वपूर्ण है। अगला देखो, एक बालक जो शारीरिक दोषों से ग्रस्त है उसमें उत्पन्न होती है क्या? संवेगात्मक स्थिरता, अच्छी आदतें, मिथ्याभिमान, या फिर हीनता की भावना। प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर सही आना चाहिए आपका। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा हीनता की भावना, यानी 4 नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। एक बालक जो शारीरिक दोषों से ग्रस्त है उसमें उत्पन्न होती है हीनता की भावना, 4 नंबर आपका सही हो जाएगा। दोस्तों 20 प्रश्न आपने अटेंड किए हैं, 20 में से कितने किए हैं जल्दी से कमेंट में लिखें। और साथियों आपको एक प्रश्न का उत्तर कमेंट में लिखना है कि डिसग्राफिया मुख्यतः किस कठिनाई से जुड़ा है? डिसग्राफिया पठन की, लिखने की, चित्रकला करने की, या फिर सुनने की, ये 4 विकल्प हैं। उत्तर आपका कमेंट में होना चाहिए, सभी लोग बताएंगे जितने भी साथी देख रहे हैं डिसग्राफिया मुख्यतः किस कठिनाई से जुड़ा हुआ है। प्रश्न क्रमांक 21। और दोस्तों आपको लाइक कर देना है वीडियो को, है ना, सभी लोग MPTET वाले, रीट, CTET एग्जाम वाले, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है वीडियो के। आपने प्रश्न अटेंड किए हैं, आपको कितने नंबर मिले हैं, कितने सही किए हैं, वो जल्दी से आपको कमेंट में जरूर लिखना है और उत्तर जरूर बताना है प्रश्न का, ठीक है। इंस्टाग्राम से भी जुड़ जाना है, फेसबुक से सुमित जैन सर्च करना है, व्हाट्सएप से, टेलीग्राम और ट्विटर से जरूर जुड़ना है, ठीक है।
एमपी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो रीट की कर रहे हैं, सीटीईटी एग्जाम, यूपी टेट, सुपर टेट आदि की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए विशेषकर बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।